वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। आज हम आपको दिखाएंगे बजाज प्लैटिना 110 ABS BS6 कॉम्प्लीट E20 मॉडल। तो दोस्तों, ये गाड़ी में क्या क्या नया देखने को मिलेगा, क्या क्या फीचर्स ऐड किया है, गाड़ी का प्राइस कितना है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, गाड़ी का फ्रंट लुक से शुरू करते हैं। फ्रंट में ब्लैक कलर का विंडशील्ड देखने को मिलता है, नीचे में LED DRL है। LED DRL को ऑन करके दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों, LED DRL ये बाइक का काफ़ी ब्राइट है। नीचे में आपको बल्ब सेटअप हेडलाइट देखने को मिलता है। इधर में नंबर प्लेट फिटिंग होने का जगह है, बल्ब टाइप इंडिकेटर दिया है, साथ में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दी गई है कॉम्फोटेक ब्रांडिंग के साथ। दोस्तों, फ्रंट व्हील कवर में बात करें तो 80x100 सेक्शन का MRF का ट्यूबलेस टायर दिया है विथ ABS डिस्क ब्रेक के साथ। इधर में ABS सेंसर दिया गया है। दोस्तों, स्पीडोमीटर के बारे में बात करें तो इधर में आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लार्ज डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। गियर पोजीशन इंडिकेटर दी गई है, टाइम, फ्यूल लेवल, न्यूट्रल, माल फंक्शन लाइट, इधर में ABS का सिग्नल दिया है। इधर में एक बटन दिया है, ये बटन दबा के आप टाइम वगैरह सेट कर सकते हो। साथ में आपको इधर में एनालॉग टाइप एक स्पीडोमीटर दिया है जो कि डिजिटली कंट्रोल्ड होता है। राइट साइड में आपको हेडलाइट ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिलेगा। नीचे में सेल्फ का बटन दिया है। ये गाड़ी में आपको नकल कट देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हो, पहले वाला प्लैटिना में नकल कट इधर में देखने को मिलता था, लेकिन ये गाड़ी में नकल कट देखने को नहीं मिलेगा। क्लच बाइक का काफ़ी लाइट है, हाई बीम, लो बीम, ये पास का स्विच है, इंडिकेटर का स्विच देखने को मिलता है। हॉर्न गाड़ी का कुछ इस प्रकार का है। इधर में E20 का बैचिंग दिया है। 11 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। इधर में टैंक पैड दिया गया है जो कि काफ़ी स्टाइलिश है। सीट दोस्तों, गाड़ी का सीट काफ़ी सॉफ्ट है। पिलियन सीट के बारे में बात करें तो पिलियन सीट भी काफ़ी सॉफ्ट है। इधर में कॉम्फोटेक ब्रांडिंग देखने को मिलता है ब्लैक कलर का ग्रैबरेल के साथ। 110 ABS का स्टिकरिंग दिया है। दोस्तों, रियर पोर्शन के बारे में बात करें तो रियर में आपको बल्ब टाइप बैकलाइट देखने को मिलता है, साथ में आपको इंडिकेटर भी बल्ब टाइप देखने को मिलता है। इधर में नंबर प्लेट फिटिंग होने का जगह है। मडगार्ड का क्वालिटी काफ़ी सही है। रियर टायर प्रोफाइल के बारे में बात करें तो सेम 80x100 सेक्शन का MRF का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है ड्रम ब्रेक के साथ। इधर में एक ABS का सेंसर दिया है। पीछे में एंड्योरेंस का एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है विथ गोल्डन कलर फिनिशिंग में। फुटपैक का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी चौड़ा है और फिट एंड फिनिश का क्वालिटी बहुत अच्छा है। दोस्तों, इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये गाड़ी में आपको 115 cc का एयर कूल्ड DTSI इंजन देखने को मिलता है जो कि सिंगल स्पार्क है। पहले का प्लैटिना में डुअल स्पार्क इंजन आता था, अभी आप देख सकते हो ये गाड़ी में सिंगल स्पार्क इंजन आता है जो कि 7000 RPM में 8.6 पावर प्रोड्यूस करता है। तो चलिए दोस्तों, गाड़ी को चलाने में कैसा लगता है आपको दिखाते हैं। दोस्तों, गाड़ी को चलाने से पहले गाड़ी का एग्जॉस्ट नोट कैसे है आपको सुनाते हैं। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अभी थोड़ा नैरो रोड में बाइक चला रहा हूँ और रोड का हालत भी उतना ज़्यादा सही नहीं है। सस्पेंशन का बात की जाए तो दोस्तों, गाड़ी का सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। दोस्तों, नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो ये गाड़ी में जो कॉम्बी ब्रेकिंग है वो उतना इफेक्टिव नहीं है। मतलब पीछे वाला जो ब्रेक है, पीछे वाला ब्रेक उतना इफेक्टिव नहीं है। बाकी आगे में तो डिस्क लगा हुआ है तो डिस्क ब्रेक का बाइट काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, नेगेटिव पॉइंट के बारे में अगर आप पूछोगे तो ये गाड़ी में एक ही नेगेटिव पॉइंट अभी तक मेरे को लगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो,
मैं मेन रोड में आ गया हूँ, तो आपके साथ शेयर करूँगा कि गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा है। तो दोस्तों गाड़ी का पावर काफ़ी अच्छा है, मतलब डेली कम्यूटिंग के लिए अगर आप ये गाड़ी लेना चाहते हो तो ये गाड़ी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी लाइट वेट बाइक है, 70-75 में आप आराम से ये गाड़ी को लेके क्रूज कर सकते हो। दोस्तों ये गाड़ी में आपको 70-75 KMPL का माइलेज आराम से मिल जाएगा। पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो डिस्क ब्रेक मिल जाता है विथ ABS के साथ, सिंगल चैनल ABS दिया गया है, जो कि 110 का कोई भी सेगमेंट का मोटरसाइकिल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों गाड़ी को थोड़ा भगा के देखते हैं कि गाड़ी का पिकअप कैसा है। बहुत बढ़िया, मतलब प्लेटिना 110 ABS E20 मॉडल में आपको काफी सारा फीचर्स मिल जाता है। ये गाड़ी में दोस्तों सबसे यूनिक मेरे को लगा गियर पोजीशन इंडिकेटर। आप गियर चेंज करोगे स्पीडोमीटर में, इधर में आपको देखने को मिलेगा। सेकंड बढ़िया चीज मेरे को लगा, जो कि कोई भी 110 सीसी का मोटरसाइकिल में मेरे को नहीं देखने को मिला, जो कि टाइम। थर्ड जो चीज है दोस्तों, ये गाड़ी में ट्रिप मीटर भी मिलता है। तो दोस्तों चलिए बाइक का ब्रेक थोड़ा टेस्ट करते हैं कि बाइक का ब्रेकिंग का परफॉर्मेंस कैसा है। काफी जबरदस्त ब्रेक है, पीछे वाला और सामने वाला अगर आप एक साथ ब्रेक दबाते हो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों प्लेटिना 110 ABS ये गाड़ी में मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा इंजन किल स्विच देना चाहिए था। सेकंड मेरे को लगा एक मोबाइल चार्जिंग पोर्ट देना चाहिए था, कि अभी का 110 125 सभी गाड़ी में कंपनी ने प्रोवाइड करता है। नेगेटिव पॉइंट अगर आप साइड में रखोगे तो दोस्तों ये गाड़ी बिल्कुल नंबर वन बाइक है, डेली कम्यूटिंग के हिसाब से ये गाड़ी बिल्कुल नंबर वन बाइक है। दोस्तों हैंडलिंग का बात करें तो ये गाड़ी काफ़ी लाइट वेट है, 112 kg का आसपास आई थिंक ये गाड़ी का वेट है। सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है, कॉम्फोटेक ब्रांडिंग के साथ आता है, काफ़ी सॉफ्ट सस्पेंशन दिया गया है, जो कि 110 सीसी का कोई भी बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड जो चीज़ है दोस्तों, ये गाड़ी का एग्जॉस्ट साउंड काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी सूदिंग है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।